और चलिए एक बड़ी खबर लखनऊ से। बांदा जेल के जेलर और दो डिप्टी जेलर सस्पेंड कर दिए गए हैं। जेलर योगेश कुमार और डिप्टी जेलर राजेश कुमार को सस्पेंड किया गया है। डिप्टी जेलर अरविंद कुमार सस्पेंड। तीनों ऑफिसर्स को लापरवाही बरतने के मामले में सस्पेंड किया। अनुशासनात्मक कार्रवाई भी यहां पर शुरू कर दी गई है अनुशासन में न रहने के चलते। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी को लाने ले जाने के दौरान लापरवाही बरतने पर यह एक्शन लिया गया है। तो मुख्तार अंसारी को लाने ले जाने में लापरवाही बरतने को लेकर तीन अधिकारियों पर गाज गिरी है। तीन ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। दो डिप्टी जेलर सस्पेंड किए गए हैं। लापरवाही के मामले को लेकर यह एक्शन लिया गया है। ऋषभमणि त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, जरा विस्तार से बताइए खबर के बारे में जानकारी। बांदा में एक हाई प्रोफाइल कैदी है मुख्तार अंसारी, जो कि प्रदेश के जो शासन स्तर से चिन्हित माफिया है उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर है। लिहाजा वहां पर कोई भी लापरवाही बरतेगा तो प्रशासन उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये जानकारी मिल रही थी कि मुख्तार अंसारी को लाने ले जाने में वहां लापरवाही बरती जा रही, जिसके बाद बांदा जेल के जेलर योगेश कुमार, डिप्टी जेलर अरविंद कुमार और डिप्टी जेलर राजेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। जो आदेश जारी हुआ है उसके मुताबिक जो जेलर योगेश कुमार है उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया और अधीनस्थ उनके जो कर्मचारी थे, डिप्टी जेलर थे, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था योगेश कुमार का, लिहाजा उनको सस्पेंड किया गया। उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। तो वही राजेश कुमार डिप्टी जेलर थे, इनके पास तमाम अहम चार्ज थे कि जो सजा याफ्ता बंदी उनको लाने ले जाने, आधुनिकीकरण और वहां पर जेल के अंदर ये एक्शन लिया गया है लापरवाही बरतने को लेकर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका ऋषभमणि।